अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बाहर मौसम बहुत अच्छा है, ये देखें बारिश का मौसम बहुत प्यारा। और हसन साहब जो है वो तलाशियां ले रहे हैं अलमारियों की, कितना प्यारा मौसम है। आज हम इंटरव्यू लेते हैं एहतशाम से फिर दोबारा से। एहतशाम, आप इतना प्यारा मौसम है, आपको कैसा फील हो रहा है? मुझे अच्छा फील हो रहा। इस मौसम में आप क्या, आपके दिल चाहता है ज्यादातर इस मौसम में? जैसा कि मेरा दिल चाहता है कि लॉन्ग ड्राइव पे जाए, तो आप क्या? लॉन्ग ड्राइव नहीं, अच्छा हीटर लगा हो, हाँ, बिस्तरा हो, हाँ, और हम खा भी रहे हो मूंगफली। अच्छा, ये दरवाजा तो नहीं बंद करो। अच्छा जी, बोला आप क्या चाहते हैं इस मौसम में? इस मौसम में आपका क्या दिल चाहता है? इंटरव्यू देते जाए प्लीज। आज कसम से दिल कोई नहीं है दुकान पे जाने। अच्छा चले ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, मैंने सबसे पूछा इस मौसम में क्या दिल चाहता है, तो अब मैं आपको अपना बताऊं मेरा क्या दिल चाहता है। इस मौसम में जब बारिश हो रही होती है तो सहन में आके मेरा दिल चाहता है कि मैं वाइपर लगाऊं। तो है ना, घरेलू घरेलू सी बात, घरेलू लड़कियों वाली सोच। हसन मेरा बबलू, कावा तू, हाँ जी हाँ जी। तो हसन जी, हमने नाश्ता वगैरह आज जल्दी कर लिया था और हसन साहब खेल रहे हैं। हमारा चुटकू सा हीटर फिर निकल आया है जो कि बहुत इस वक्त डस्ट से भरा हुआ है। लेकिन मुझे इसकी जगह कोई और बनानी है। अब हसन साहब जो वॉकर, आय हाय गिरने लगी थी, हसन साहब वॉकर में होते हैं ना, तो मैं इसको यहाँ पर नहीं रख सकती। और इस वक्त देखें जनाब साहब जो वो पूरे गौर शोर गौर फिक्र के साथ देख रहे हैं कि क्या निकल रहा है। तो जनाब माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पे हसन साहब जो वो व्लॉगिंग कर रहे हैं, बहुत सारा माशाल्लाह कहिएगा, दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह पाक आप सब। मोहम्मद हसन और उसके बाबा खेल रहे हैं। शाम में बहुत अच्छी बारिश हो रही थी, हमने सोचा था कि ठंड में और बारिश में, सर्दियों में बारिश में
और ऊपर खाने का ठंड हो और ऊपर से हो रही हो बारिश, ऊपर साथ में हो फॉग, कह रहे हैं कि फालूदा जो है वो आइसक्रीम खाने, आइसक्रीम और फालूदा वाली शॉप जो है, हाँ आइसक्रीम खाने के बाद आप थोड़ा सा अपने आप को गर्म रखेंगी, कोई चाय शाय उसके बाद पी लें थोड़ी देर के बाद, ये नहीं के साथ साथ, ताकि आपको ठंड ना लगे। लेकिन सच बताऊँ ना तो इतना मजा आता है। अभी हम लोग जा रहे थे, मेरा दिल चाह रहा था चलो देखते हैं एक और जगह है, या तो वो अजवा कुल्फी मिल गया वो आप पता करें, क्योंकि वो बहुत मजा आता है, नहीं अच्छी लगी थी। खोया ये हसान मेरे साथ है, ये चिकन कॉर्न साथ में शोल कर ले बेटा, शोर नहीं करें, आई डोंट लाइक शोर नहीं करें, शोर नहीं करें, नहीं अच्छा तो आपने क्या खाना है? वो हम लोग जा रहे थे, लेकिन ये जो है ना वो अजवा कुल्फी की जगह फालूदा ले आए थे, जिसका मुझे ज्यादा मजा नहीं आया। आइसक्रीम, आइसक्रीम, आइसक्रीम खानी है मेरे बेटे ने, क्या खाना है आपने? चलें फिर आप दुआ करें कि वो आइसक्रीम वाली, हाँ जी आइसक्रीम वाली शॉप खुली हो और फिर हम आइसक्रीम खाएंगे, ठीक है? ओके अल जन्नत स्वीट एंड बेकर्स, जी जी अच्छा जी, अब हम बस आइसक्रीम खा के, आइसक्रीम नहीं बल्कि ये मियाँ जी को कुल्फी होती है ना वो खा के घर को जाएंगे। पीछे देखिए ये सारी जो है ना वो शॉपिंग है, शॉपिंग है, मैं आपको दिखाऊंगी मैंने क्या क्या कुछ लिया है। हसान के कुछ कपड़े लिए हैं और हसान के लिए, हसान आपके लिए मैंने और क्या लिया था, फीडिंग स्पून जो है वो ली थी, और मैंने अपने बेटे के लिए एक कैप ली है, बारिशी कैप भी ली है मैंने अपने बेटे के लिए, दिखाऊँ आपको है पहन के, दिखाऊं पहना के अभी दिखाऊंगी मैं अपने बच्चे को, हूँ मामा की जानी है ये, और बस अभी वो देखते हैं। बेटा ये छोड़ दे मास्क को, पहले भी आपने मेरा तोड़ दिया, छोड़े इसको। और ये मेरा प्यारा सा बच्चा बेटा मेरी गोदों में, गोदों में, गोदों में। हमने ये येलो शर्ट ली थी लेकिन एक दफ़ा वॉश के बाद ही ख़राब हो गई। बेटा छोड़े ना इसको, छोड़े तो बेटा हाथ छोड़ देना, बुरी बात है मेरी जान, बुरी बात है मेरी जान ने, नहीं बुरी बात ऐसे नहीं करते तो बुरी बात। तो जनाब यहाँ पर हमारा फालूदा आ गया है, मेरा दिल था वैसे वो जो होती है ना अजवा कुल्फी टाइप वो खाने का दिल था, और मुझे लगा था कि वो लेकर आएंगे, लेकिन ये फालूदा लेकर आ गए। अच्छा मैं, हम लोगों ने चमन का फालूदा तो इन्जॉय किया हुआ है, लेकिन ना ये पता नहीं शायद किसी, मुझे नहीं पता किस शॉप से लाए थे, तो गाड़ी ने ज़रा आगे पार्क की थी, लेकिन ना इसका सच बताऊँ तो मुझे नहीं मज़ा आया, टेस्टी नहीं था। टेस्टी मतलब ये था कि आइसक्रीम में भी वो जो सवैयाँ थी वो भी बिल्कुल जो है ना टेस्टलेस थी, और आइसक्रीम में भी कोई ज़्यादा एक मज़ा नहीं था, जो एक बंदा कहता है ना कि यार हाँ मज़ा आ गया, ऐसा कुछ नहीं था। तो यहाँ पर ये कह रहे थे पहले ले क्या, वो जो एक आई थिंक एड है बच्ची की, ओ ओम अच्छा फ्राइडे के दिन ना हमारे पास गाड़ी नहीं थी, तो घर पर ही थे, कुछ समझ नहीं आ रही थी, बाहर भी नहीं जा सकते थे, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ये बाहर बैठ कर ना, पहले धूप पर बैठे थे तो धूप तो अब जा चुकी थी क्योंकि शाम का टाइम हो गया है, और मैं नमाज़ पढ़ रही थी और जनाब साहब जो वो बाहर अपने आप को मोबाइल से महसूस कर रहे थे। खैर ये इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर, सन बात जो कि अब जा चुका है वो ले रहे थे। ये की सर्द रात, गाजर का हलवा, दूध, नुसरत की गजलें बहुत सुना रहा है हमें, बारिश, चाय, तुम और मैं और हमारा साथ में तुम्हें दादा, वॉइस ओवर करते हुए अगर साथ में आपको हसान की आवाज़ सुनाई देना तो समझ जाइएगा कि हसान मुझे जो है वो हेल्प आउट कर रहे हैं कि मामा मैं आपके साथ वॉइस ओवर करता हूँ ताकि आपका जो व्लॉग है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाए। थैंक यू बेटा, अब आप थोड़ा सा खामोश हो जाएं ताकि मैं अच्छे से एडिट कर सकूँ वीडियो को, ठीक है? ओके अब अपने शोल नहीं मचाना। अच्छा जी
दही बड़े किस किस को पसंद है? मेरा ख्याल है कि कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको दही बड़े पसंद ना हो। तो जनाब हम यहाँ पर खा रहे थे दही बड़े जो कि हद से ज़्यादा टेस्टी, चटपटे, खट्टे मीठे और मज़ेदार से। तो आपको पता है कि मेरी वीडियो में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इस तरह का तो टच होना ज़रूरी होता है। आज का वीडियो यहीं तक था, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलती हूँ इंशाल्लाह। हम लोग फैसलाबाद गए थे, पहला जो हमारा लॉन्ग टूर था, शेयर करूँगी। तब तक के लिए साथ रहिएगा, गुड बाय।